आज रवा इडली बनाएंगे। रवा इडली बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, मटर, कड़ी पत्ता, अदरक, मिर्ची, काजू, बीन्स, कैरेट, नारियल, हरी धनिया, एक कप चिरोटी रवा बर्तन में डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक, एक कप दही, इसको मिला लेंगे। इसको एक 10 मिनट के लिए रख देंगे। अभी एक कढ़ाई में एक स्पून घी डाला है, इसमें काजू डाल के थोड़ा काजू भून लेंगे गार्निश के लिए। देखिए, अभी थोड़ा ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल गर्म होने के बाद सरसों, राई, उड़द का दाल, चने का दाल एक एक चम्मच डाल रही हूँ। इसको थोड़ा रोज कलर भून लेंगे। अदरक, मिर्ची, कड़ी पत्ता, मटर, सब्जी सब डाल रही हूँ। ये इसमें थोड़ा पका लेंगे। थाली बंद करके 2 मिनट के लिए रखने से ये पक जाएगा। अभी देखिए, ये सूजी फूल गया है। अभी ये जो अगार किया था ना, उसको थोड़ा ठंडा करके वो भी इसमें डाल रही हूँ। नारियल डाल रही हूँ, हरी धनिया, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा घट्ट है, थोड़ा पानी डाल रही हूँ। देखिए, अभी इडली स्टैंड को ग्रीस कर लेंगे। देखिए, इस मसाले में 1/4 स्पून से भी कम सोडा डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिला लेंगे। देखिए, इस कंसिस्टेंसी में रहने से ठीक है। अभी इस मिश्रण को इडली स्टैंड में डालेंगे। देखिए, ऐसा ऊपर से गार्निश के लिए काजू डाल रही हूँ। अभी इसको स्टीम में रख करके बॉईल कर लेंगे। 10 मिनट रखने से इडली पक जाएगा। देखिए, इडली पक गया है। अभी इसको निकाल देंगे। देखिए कितना सुंदर इडली, सॉफ्ट इडली बन गया है। अभी इसको सर्विंग बाउल में निकाली हूँ। चटनी के साथ ये इडली बहुत अच्छा रहता है। रवा इडली रेडी।